आने वाले कुछ दिनों में वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर बॉलीवुड और राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्वता दिखाई देने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वीर सावरकर को लेकर एक फिल्म बनी है। फिल्म को डायरेक्ट किया है रणदीप हुड्डा ने, वहीं रणदीप ने इस फिल्म में मेन रोल भी निभाया है। अब मंगलवार को इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। तो ये फिल्म आपको बता दें इस साल शहीद दिवस के मौके पर यानी 22 मार्च को दो भाषाओं हिंदी और मराठी में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म से रणदीप डायरेक्टोरियल डेब्यू करेंगे, इसके साथ ही वो इसमें लीड रोल प्ले करते भी नजर आएंगे। अब फिल्म सावरकर से जुड़ी है तो कंट्रोवर्सी होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि इस देश में सावरकर से जुड़े मुद्दों पर लगातार बहस होती आई है। दो प्रमुख पार्टियां इसके बीच में बहस का कारण बनी है। वहीं कुछ पार्टी इसके समर्थन में बोलती हैं तो कुछ पार्टी विपक्ष में रहकर इस पे लगातार हमले करती हैं। इस टीजर में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करते हुए रणदीप ने फिल्म का एक टीजर रिलीज किया। टीजर की शुरुआत होती है महात्मा गांधी के भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की धुन से, जिसके बाद अचानक सावरकर का जिक्र करने वाला रैप सॉन्ग शुरू हो जाता है। बैकग्राउंड से रणदीप की वॉइस आती है जिसमें वो कहते हैं, मुझे गांधी से नहीं अहिंसा से नफरत है। टीजर्स में मेकर्स ने दर्शकों से सवाल भी किया है कि सावरकर क्या है, गद्दार, आतंकवादी या हीरो, ये पता चलेगा 22 मार्च को। इस टीजर को शेयर करते हुए रणदीप ने लिखा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दो नायक, एक का नाम चर्चा में रहा और एक को इतिहास से हटा दिया गया। शहीद दिवस 2024 पर इतिहास फिर से लिखा जाएगा। स्वतंत्र वीर सावरकर 22 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में रणदीप के अलावा मशहूर टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और अमित सियाल भी अहम रोल में नजर आएंगे। मेकर्स ने पिछले साल इसका टीजर रिलीज कर दिया था। फिल्म को रणदीप हुड्डा ने को प्रोड्यूस भी किया है। इससे पहले ये फिल्म लीगल इश्यू में भी फंस चुकी है। मामला फिल्म के प्रोड्यूसर से जुड़ा है। इसमें रणदीप हुड्डा और आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स के व लीजेंड स्टूडियो के संदीप आमने सामने हैं। क्या है पूरा मामला, तो हुड्डा ने दोनों प्रोड्यूसर्स को पिछले साल नवंबर, दिसंबर और इस साल जून और जुलाई में 4 नोटिस भेजे। वहीं प्रोड्यूसर्स ने क्लेम किया कि रणदीप ने बिना परमिशन के उनसे फिल्म की फुटेज अपने कब्जे में ले ली और इसे वापस करने से इनकार कर रहे हैं। आनंद और संदीप के कानूनी सलाहकार रवि सूर्यवंशी का कहना है कि हुड्डा के सभी दावे झूठे और निराधार हैं। दोनों प्रोड्यूसर्स ने रणवीर को फिल्म में सिर्फ एक एक्टर के तौर पर साइन किया था। वही रणवीर की टीम का इस पूरे मामले पर कहना है कि रणदीप ने अपने बैनर तले वीर सावरकर की इस बायोपिक को लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। इस दौरान उन्होंने फाइनेंशियल, मेंटल और फिजिकल चैलेंज भी फेस किए हैं। हुड्डा ने पूरा डेडिकेशन के साथ फिल्म के रियल कैरेक्टर को सम्मान देने के मकसद से फिल्म मेकिंग में आई परेशानियों को दूर किया है। उन्हें कई तरीकों से परेशान ना करने की कोशिश की जाए, वो हारे नहीं है, ये कहना है रणदीप की लीगल टीम का। इस फिल्म को करने के लिए रणदीप हुड्डा ने फिजिकली भी बहुत मेहनत करी है। इसके लिए उन्होंने 26 किलो वेट लॉस किया है। ऐसा करने के लिए उन्होंने 4 महीनों तक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की। फिल्म में रणदीप का चूंकि लीड रोल है इसलिए उन्होंने इस पूरी फिजिक चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बाकी 22 मार्च से पहले और 22 मार्च के बाद किस तरह से ये फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी होती है और क्या क्या बयानबाजी होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप सबका इस पूरी फिल्म और इस पूरी फिल्म के मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।